वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि यहाँ पे 12.5.1 के बारे में, जो कि यहाँ पे रेडमी नोट 7 प्रो में, तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है रेडमी नोट 7 प्रो। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ 12.5 वर्जन के बारे में, जो कि शाओमी ईयू आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यूरोपियन वर्जन। तो यहाँ पे इस रोम के बारे में बात करने वाला हूँ, इस रोम का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, और यहाँ पे गेमिंग के मामले में रोम कैसा है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे रोम को कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिटेल रिव्यू, जो कि इस रोम में आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि आपको एमआई का कैमरा मिल जाता है इनबिल्ट आपको यहाँ पे, जो है जो कि 48 मेगापिक्सल्स का आपको यहाँ पे लेंस भी मिल जाता है, जो कि बेशक आप फोटोज, वीडियोस और यहाँ पे जो है पोर्ट्रेट फोटोज, उसके बाद मोर में आपको यहाँ पे नाइट मोड, शॉर्ट वीडियोस, पैनोरामा, स्लो मोशन, यहाँ पे सभी वर्किंग है, जो कि यहाँ पे आपको स्टॉक कैमरा मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हो, 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड में आप बेशक वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद कैमरा टू एप अनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा भी इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो, जो कि इसके अंदर भी आपको वीडियो आप यहाँ पे 1080 पिक्सल्स, उसके बाद 4K, उसके बाद यहाँ पे स्लो मोशन में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पे मोर में यहाँ पे पैनोरामा फोटोज के लेंस का मिल जाता है सपोर्ट, उसके बाद नाइट मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे बेशक आप जो है यहाँ पे गूगल कैमरा और एमआई का कैमरा दोनों यहाँ पे इंस्टॉल्ड करके यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको .9 आपको यहाँ पे जोन का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड एंगल आप कैमरा भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे आपको एंटीटू बेंचमार्क स्कोर की बात कर लो तो इसके अंदर आपको यहाँ पे एंटीटू बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि 2,06,000, जो कि कंपैरिजन वाइज MIUI आपको यहाँ पे स्कोर जो है सेम देखने को मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सभी आपको जो है MI और यहाँ पे आप जो कि प्ले स्टोर यहाँ पे जो है नेसेसरी जो भी एप्लीकेशन है आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे एड फ्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको जो है इनबिल्ड आपको जो यहाँ पे MI का डिवाइस में मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे एम्प्लॉन जैसे कि आप ऐप स्टोर कह सकते हो, जो कि MI का प्योर यूरोपियन वर्जन का आपको यहाँ पे OS मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको कोई भी ब्लोट फेस नहीं मिलता है, जो कि एक प्योर आपको यहाँ पे रॉम मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लो, जो कि सेटिंग्स के अंदर आप बेशक यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो कि एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड 10 मिल जाता है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है 5th of May का Xiaomi EU, जो कि यहाँ पे 12.5.1 स्टेबल वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डुअल 4G उल्टी बेशक यहाँ पे वर्किंग है, वाईफाई, हॉटस्पॉट्स, ब्लूटूथ तीनों यहाँ पे वर्किंग है। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जो कि यहाँ पे वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। सुपर वॉलपेपर का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको इनबिल्ट 3 वॉलपेपर मिल जाता है, अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि देख सकते हो लॉक स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे जो है सेम आपको यहाँ पे फ्यूचर्स मिल जाता है, जो कि यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन आप यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हो, फ्लो, ग्लो, वेव। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे डार्क मोड का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेम फ्यूचर्स मिल जाता है, यहाँ पे कंट्रोल सेंटर का भी सपोर्ट मिल जाता है, 4G को LTE कर सकते हो, LTE को 4G कर सकते हो, उसके बाद बैटरी परसेंटेज एनेबल कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है साउंड और यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर और आपको यहाँ पे होम स्क्रीन, उसके बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी और यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों मिल जाता है। तो दोनों यहाँ पे मैं टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है। तो फर्स्ट यहाँ पे फेस अनलॉक, चूंकि देख सकते हैं यहाँ पे फेस अनलॉक वर्क है, उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे एब्सोल्यूट है, यहाँ पे फास्ट वर्क हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे फेस अनलॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है, दोनों यहाँ पे वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन। उसके बाद यहाँ पे मैं बैटरी की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 94% है अभी, और यहाँ पे 32 आवर्स एंड 35 मिनट्स यहाँ पे लेफ्ट बता रहा है, जो कि यहाँ पे 2 आवर्स हो चुका है, जो कि यहाँ पे फुल चार्ज किए हुए, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 6% डिक्रीज हुआ है, जो कि 2 आवर्स में। उसके बाद ऐप्स में जो यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम ऐप, उसके बाद मैनेज ऐप, डुअल ऐप, यहाँ पे परमिशन, ऐप लॉकर का भी सपोर्ट मिल जाता है। एडिशनल सेटिंग्स में यहाँ पे आपको सेम मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन टाइम मिल जाता है, जो कि डिजिटल वेलबींग के बदले। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशल फीचर, जो कि यहाँ पे गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, उसके बाद सेकेंड स्पेस और MIUI लैब लाइट मोड का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद सभी आपको यहाँ पे सेम फीचर्स मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गेम प्ले कर लेता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पे पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में ये रोम कैसा है।
यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। और यहाँ पे इस रोम के बारे में ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सभी कुछ बता चुका हूँ, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी वर्किंग है, आपको यहाँ पे कोई भी बग देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो यहाँ पे आपको जो एड्स देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे पॉपअप एड्स, उसके बाद जो इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, जो कि एक Xiaomi EU रोम होने के कारण आपको यहाँ पे एड्स देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी वर्किंग है, आपको यहाँ पे गूगल कैमरा, MI का कैमरा सभी मिल जाता है। तो यहाँ पे एक मैं एक गेम प्ले कर लेता हूँ, जो कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में ये रोम कैसा है। तो यहाँ पे चलिए एक गेम प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्राफिक सेटिंग की बात कर लूँ, तो यहाँ पे स्मूथ के साथ अल्ट्रा HD के साथ आपको यहाँ पे एक का सपोर्ट मिल जाता है, जायरो यहाँ पे वर्किंग है। तो चलिए एक गेम प्ले कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, बेशक आपको एक अच्छा गेम प्ले करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे लैग है, फ्रेम ड्रॉप्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा।
और यहाँ पे डिवाइस ज़्यादा हीट भी नहीं हो रहा है, जो कि यहाँ पे आप बेशक अच्छा गेम प्ले कर सकते हो। और यहाँ पे जो वर्शन है, यहाँ पे MIUI स्टेबल आपको यहाँ पे वर्शन मिल जाता है जो कि यहाँ पे 12.5 बेस्ड। तो यहाँ पे वर्शन को इंस्टॉल करना चाहते हो तो इंस्टॉलेशन वीडियो ऑलरेडी बना चुका, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि यहाँ पे Redmi Note 7 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।